नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटेट 2019 की जो ली जा रही है परीक्षा, उसमें एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता एसटेट 2019 की पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी, उनके अभिभावक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन तरीके से आयोजित होने वाली वैसी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें किसी भी विषय के अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने के आलोक में उस विषय की परीक्षा एक से अधिक पालियों तिथियों में ली जाती है। जैसा कि अभी लिया जा रहा है, मैथमेटिक्स का पेपर 3 पालियों में था, 3 तिथियों में था, 10 को था मॉर्निंग में, 11 को ही मॉर्निंग में, और यहाँ तक कि 14 तारीख को मॉर्निंग में तीनों में था। तो वैसी परीक्षा में सामान्यतः अलग अलग पालियों के प्रश्न पत्र के स्तर, कठिनाई स्तर, अलग अलग कठिनाई स्तर मतलब डिफिकल्टी लेवल होने के आलोक में विषय का परीक्षाफल तैयार करने से पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है। तो नॉर्मलाइजेशन उसमें किया जाता है, हर एक परीक्षाओं में किया जाता है, ताकि विशेष पाली में किसी भी अभ्यर्थी को कोई लाभ या हानि ना हो सके। तो इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा जो एसटेट द्वारा जो 2019 की जो ऑनलाइन परीक्षा में वैसे विषय जिनके परीक्षा एक से अधिक पालियों तिथियों में ली जा रही है, वैसे विषय का परीक्षाफल तैयार करने से पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाकर ही परीक्षाफल तैयार करने का निर्णय आयोजित करने से पूर्व लिया जाएगा, जिससे किसी भी पाली तिथि के लाभार्थियों को कोई लाभ या हानि ना हो सके। तो बिहार बोर्ड ने अपनी तरफ से यह पात्रता परीक्षा के लिए नॉर्मलाइजेशन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। परंतु अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, इससे किस किस को लाभ मिलेगा, हम इसके बारे में अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को जानने का प्रयास करते हैं। एसटेट की जो री एग्जामिनेशन था वो 9 से 21 सितंबर तक 13 दिन में लिया गया था। इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग पालियों में एग्जाम लिए गए हैं। जैसे अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को देखा जाए तो उसके 3 पाली में एग्जाम लिए गए हैं, उसी प्रकार से साइंस के भी 3 या 4 पाली में उसके भी एग्जाम लिए जाएंगे। और सोशल साइंस के भी पहला एग्जाम 15 तारीख को हुआ, फिर 16, 17, 18 तक ये एग्जाम चल रहे हैं। अर्थात हर एक सब्जेक्ट का, विशेषकर मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस का, एक से अधिक पालियों में एग्जाम लिया गया है। तो सरकार ने तो पहले कह दिया कि हम जो एग्जाम लिया गया उसको नॉर्मलाइजेशन करके हम रिजल्ट को निकालेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होता है और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में किसको लाभ होगा, किसको हानि होगा, हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो होता है, जैसे कि हम लोग अगर देखें तो मैंने मैथमेटिक्स का जो एग्जाम दिया था वो 10 सितंबर को एग्जाम दिया था। 10 सितंबर को जब मैंने एग्जाम दिया तो मुझे खुद नहीं पता चला था मैं कितना बनाया हूँ, क्या बनाया, क्या नहीं बनाया। उसी टाइम से मैथमेटिक्स का एग्जाम था वो 11 सितंबर को था, और लास्ट एग्जाम जो था वो 14 सितंबर को था। 10 सितंबर वाला जो एग्जाम था उस वाले में और 11 सितंबर वाले में, दोनों में जो अगर डिफिकल्टी लेवल को देखा जाए, क्वेश्चन जो था वह 80% आपके IIT लेवल का क्वेश्चन था और 20% आपके 9th और 10th लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, IIT लेवल का मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ IIT तो इंटर पे ही होता है, तो IIT लेवल मैंने क्यों कह दिया, इंटर का थोड़ा सा उसको बढ़ा करके, इंटर का ही क्वेश्चन था, डिफरेंशियल था, इंटीग्रल था या डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो इंटर का ही क्वेश्चन था, बट उसको लेवल को बहुत हाई कर दिया था। जिससे अगर देखा जाए तो जनरल जो भी बहुत अच्छे पढ़ने में है, जैसे कि बहुत का मार्क्स, जैसे मेरा मार्क्स आ रहा था पिछले बार वाला जो मैं 28 जनवरी को मैंने दिया था, उसमें मेरा मार्क्स 131 मार्क्स आ रहा था। बट मैं जब यहाँ पे एग्जाम देना शुरू किया तो मेरे को पता चला 50 तो बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, बट जो सब्जेक्ट जब मैंने खोला तो सब्जेक्ट में पहला क्वेश्चन मेरा फिजिक्स का था। मैं देख के चकरा गया कि मैं तो मैथमेटिक्स का भर के आया, फिजिक्स कैसे आ गया। फिर फिजिक्स का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लेवल जो था वो बहुत ही हाई लेवल जा रहा था। मैं सॉल्यूशन किया, न्यूमेरिकल्स था, सॉल्यूशन किया, मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने उसे उसका तुक्का मार दिया। इसी टाइप से केमिस्ट्री में भी बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स थे जिसको सॉल्यूशन करने में, क्योंकि केमिस्ट्री तो हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स को ही मैक्सिमम देख के गए थे कि 2 बार मैथमेटिक्स का एग्जाम पूछा है तो तीसरी बार भी मैथमेटिक्स से पूछेगा, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री क्यों पढ़ करके जाए। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री को तो देखा नहीं, और यहाँ पर यह स्थिति आई कि 80% IIT का लेवल का जो क्वेश्चन था, 20% 9th 10th का लेवल का था, तो 9th 10th के जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तो बना लिए, बट ये जो 80% जो क्वेश्चन थे वो हम लोग से नहीं बन पाए, जिसके कारण आज वो स्थिति आ गई, हम लोग 75 मार्क्स लाना भी हम लोग के लिए दुभर हो गया है। 75 मार्क्स
आएगा कि नहीं आएगा इसमें भी हम लोग को अब शक होने लगा है। परंतु अगर 14 सितंबर का अगर एग्जाम की बात किया जाए तो 14 सितंबर का जो डिफिकल्टी लेवल था उसमें मैंने अपने 10 साथियों से बात की उस दिन मेरे साथी 10 साथी जिनका एग्जाम था उन साथियों से मैंने आधा आधा घंटे तक फोन पे बात की कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें जो डिफिकल्टी लेवल था वो 50% जो था वो IIT लेवल का था। मतलब कि अगर बात किया जाए IIT लेवल के क्वेश्चन इसमें थोड़ी सी मात्रा में कम थे और 50% आपके 9th और 10th लेवल का क्वेश्चन था। अर्थात अगर बात किया जाए 50% IIT लेवल और 50% 9th 10th का लेवल का क्वेश्चन था। तो अगर 50% इसको बात किया जाए तो ये वाले अगर वो सही बना के आएंगे अभी कि मैक्सिमम उसमें जो भी थे 50% जो 9th 10th का था वो तैयारी करके गए थे हाई लेवल का, तो 9th 10th बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बनाया, उनके मार्क्स अगर मैंने एक दोस्त से पूछा तो उसने बोला कि भाई मेरा मार्क्स तो 110 प्लस जा रहा है। अर्थात तो उसके कहने का ये था कि 100 प्लस क्या जाएगा, 100 प्लस उसका वो क्या कहते हैं पहले मार्क्स उसके कट ऑफ जा रहे होंगे, तब ना 110 प्लस वो मेरा बोला कि 110 प्लस मेरा आ जाएगा। कैसे 110 प्लस आएगा, तो पैडागोजी 50 में से उसने आराम से 40 से 45 नंबर क्वेश्चन बना लिए, जैसे हम लोग मैंने भी लगभग उतने ही बनाए होंगे अच्छे खासे, और ये 50 नंबर उसके कंप्लीट सही थे क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से सबको सॉल्व करके बनाते जा रहा था। और 50 जो IIT लेवल के थे वो थोड़ा सा उसमें तुक्का मार करके आगे बढ़ते गया, इस टाइप से उसके 110 प्लस नंबर आ रहे थे। और हम लोग 75 प्लस लाना भी हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। अब सरकार ने कर दिया नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करना है। अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, तो अगर RRB और SSC की बात की जाए, RRB और SSC इसमें बहुत काफी चरणों में एग्जाम दिए जाते हैं, तो इन दोनों की अगर बात की जाए तो इन दोनों में जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया में कुछ अलग प्रक्रिया होती है। जैसे कि इसमें क्या है कि निगेटिव मार्किंग होता है जिसके कारण अटेम्प्ट पर जितने अटेम्प्ट आपने किया है उस अनुसार अटेम्प्ट पर आपको नॉर्मलाइज करके दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग होने के कारण इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का अलग फॉर्मूला लगता है, बट यहाँ तो एस्टेट में तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है तो किस प्रकार से प्रक्रिया करेगा। तो जनरल वो क्या करेगा कि जो मैथमेटिक्स का 10th और 10वीं और 11वीं का जो एक पेपर है हुआ था उसमें वो 10 से 15 नंबर सबको बढ़ा करके दे देगा। अब 10 से 15 नंबर तो दे दिया, पर उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, हमारा 75 नहीं पहुंच रहा है और ये 10 से 15 नंबर देगा तो कितना नंबर हमारे होंगे, हमारे मैक्सिमम 80 से 90 नंबर होंगे, हम पास हो जाएंगे। परंतु सरकार ने क्या कहा है कि जो हाईएस्ट नंबर लाएगा उसका ऊपर से 5000 सीट फिर क्लियर कर लिया जाएगा, 5000 को अपना नौकरी करा दिया जाएगा, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को तो कहीं का नहीं रहा छोड़ा। मैं तो उस दिन से इतना डिप्रेशन में आ गया था कि मैंने तो कोई वीडियो डाला ही नहीं, क्योंकि मैं जान रहा था कि मैं क्या करूं, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। यहाँ आज निकाल तो दिया क्योंकि हम लोग क्या हुए 2-3 दिन से ट्विटर फेसबुक इस पर इतने ज्यादा हावी हो गए थे कि उसको निकालना पड़ा कि नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। अभी मैथमेटिक्स का ही नहीं साइंस के भी अभी छात्र ऐसे ही होंगे, क्यों, क्योंकि साइंस में 14 तारीख का एग्जाम थोड़ा सा आसान था परंतु 15 तारीख वाले में न्यूमेरिकल्स की भरमार कर दिया गया, अर्थात 15 तारीख वाला साइंस का डिफिकल्टी लेवल कुछ हाई कर दिया गया था। जब यहाँ पर 15 तारीख वाले में अभी आज 16 तारीख को भी कुछ साइंस का है उनका देख लेते हैं किस प्रकार का होता है। इसी प्रकार से सोशल साइंस में भी तो डिफिकल्टी लेवल इसी टाइप से होगा। तो हम दो ही नहीं है, हम लोग 25,000 ही नहीं है, इसमें 25,000 हम लोग एग्जाम दिए थे, 25,000 ही नहीं है हम लोग और भी बहुत सारी संख्या है। इसलिए हम लोग पहले एकजुट होकर के रहे, एकजुट होने का मतलब एकता में रहे, क्योंकि एकता में ही बल होता है। अगर हम बिखर गए जैसे पिछले बार बिखरे तो क्या हुआ, 28 जनवरी वाला एग्जाम का रिजल्ट हम लोग के बिल्कुल पक्ष में था, पूरा लड़ा था केस और लड़ने के बाद से हम लोग बिल्कुल पक्ष में आ गए थे, क्योंकि जिस प्रकार से जज साहब ने कहा कि भाई ये ऐसा है वैसा है तो बहुत सारी प्रक्रिया कहने के बाद वहां पे अच्छी टाइप से बोला, परंतु क्या निकला अगले दिन रिजल्ट, जैसे निकला क्या निकला कि भाई रिजल्ट आप मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूं, तो केस के बारे में आप तो छोड़ दीजिए कि केस करने से कोई हमको फायदा मिलेगा, क्योंकि सरकार जो सोच लिए वो करेगी। हाँ एकता में रहिएगा तो एक साथ हल्ला उठाने की हम लोग रहेंगे कि जो हमारा नॉर्मलाइजेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसमें कम से कम हमें 25 मार्क्स दिया जाए, मिनिमम 25 मार्क्स दिया जाए जिससे हम उनके करीब पहुंच सके।
उनकी कहाँ पहुंच सके, करीब पहुंच सके, तब हमें हमारा चयन हो सके, क्योंकि हम लोगों ने जो भी यहाँ पे 80% जो तुक्का मारे हैं उसमें हम लोगों को कोई वो नहीं है। तो आप सभी पहले एकजुट होकर के एक साथ आवाज उठाइए, क्योंकि एकता में ही बल होता है। हाँ, इसमें आप देखिएगा बहुत सारे आप बिचौलिए इसमें काम करना शुरू कर दिए हैं, जो आपसे पैसे मांगना शुरू कर दिए हैं कि पैसे जमा कीजिए, हम केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप इनके पीछे मत पड़े, क्योंकि ये पैसे आपका लेके खा जाएंगे, जैसे बहुत सारे पीछे वाले खाए हैं आपका पैसा। वो कहीं पे भी वो नहीं करेंगे, वो पैसा ले लेंगे, लेकर के अपना दबोच लेंगे, अपना पेट भर लेंगे, क्योंकि उनको और दूसरे से किसी से मतलब नहीं है। वो इसीलिए है, अपना अकाउंट नंबर दे दिया, अपना आ गया, 10-15 इस ग्रुप का बना लिए हैं, उसमें अपना पैसा बांट लिए। तो आप पहले उनसे दूर रहें बिल्कुल, क्योंकि सरकार जो चाहेगी वही करेगी, सरकार के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है। सरकार से बस अपनी मांग को रखते रहें, फेसबुक ट्विटर से अपना अभियान चलाते रहें, सभी जुड़े रहें, बस एकजुट होकर के हमें रहना है कि अगर आप नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करते भी हैं तो हमें किस प्रकार से करेंगे, हमें अधिक नंबर मिले। हाँ, नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो एक बात याद रखिएगा, पहले एंसर की निकलता है, उसके बाद से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो पहले अभी एंसर की का आप लोग इंतजार कीजिए, इस महीने के लास्ट तक आपको एंसर की मिल जाएगा। तो एंसर की जैसे हम लोग के हाथ में आ जाएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कितने परसेंट हम लोग के मार्क्स आ रहे हैं, तब उसके बाद हम लोग एकजुट होकर के आवाज उठाएंगे कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन में हमको नंबर मिला जा रहा है। ठीक है, वैसे आप सभी लगे रहें, जुड़े रहें, और अगर अभी इस चैनल पे नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन जो आएगी सबसे पहले हमारे तरफ से, तो मेरा जो चैनल है वो बिल्कुल सटीक जानकारी आपको मिलेगी, कोई भी इधर से उधर बर्गेनिंग वाला चीज नहीं रहेगा, ना ही किसी से कुछ पैसा मांगा जाएगा। तो इस पर बिल्कुल अच्छी तरह से बने रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन को लेकर के। धन्यवाद।